तुम्हें कुछ पता भी है? सामने वाले पड़ोसी नई कार लाए हैं। ओह नो। और बगल वाले पड़ोसी ने तो दूसरी शादी कर ली। मैंने कभी कुछ कहा? मेरी मम्मी चारधाम यात्रा पे जा रही है, तुम मुझे कहीं लेके गए हो आज तक? तुम्हारी मम्मी बड़ा पूजा पाठ करती हैं। हाँ मेरी मम्मी तो करती है, पर ज्यादा पूजा पाठ मेरे पापा करते हैं। उन्हें करना भी चाहिए, उन्होंने बहुत पाप किए हैं। क्या किया है उन्होंने? नहीं क्या किया? शादी के टाइम उन्होंने ही बताया था कि तुम बड़े सरल स्वभाव की और मृदुभाषी हो। मुझे तो दिखा नहीं आज तक सरल स्वभाव। यार शर्मा जी शादी करवाते हैं ना? मैरिज ब्यूरो है उनका, जरा बात कराओ तो उनसे। हेलो शर्मा जी, आपने मेरी छोटी बहन को तो देखा ही होगा, तो जरा उसकी शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का बताइए ना। लड़का तो है, 6 फीट की हाइट है, 80,000 रुपये महीने कमाता है, परिवार भी अच्छा है, बस उसका रंग थोड़ा काला है। कहिए तो बात करूं? अरे भाई साहब, इसी क्वालिटी में कोई व्हाइट कलर का हो तो बताइएगा। हेलो। अच्छा ठीक है। मौसम भीगा है। एक बात बताओ, सूट पहनूं या शेरवानी? अरे छोड़ो, नहीं जा रहे, शादी की डेट चेंज हो गई। एक बात बताओ, तुम्हारी बहन की सगाई हुए 2 साल हो गए और अब तक शादी की डेट फाइनल नहीं हुई। लड़का वकील है ना, तो क्या, जैसी शादी की डेट नजदीक आती है वो कोई ना कोई बहाना करके अगली तारीख ले लेता। अच्छा सुनो, जब भी मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँ ना, तुम ऐसा दिखाना कि तुम मुझसे डरती हो। मेरे से नहीं हो पाएगा। 500 रुपए ले लेना। 2,000 लगेंगे। 1,500 ले लेना, पोछा मार दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ना। दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियर तो भारतीय महिलाएं होती है। कैसा भी पति मिल जाए उसको सीधा कर देती है। भगवान क्या जुलूम है। पति और ससुराल वाले जुगनू जैसे होते हैं, हर टाइम जलते रहते हैं। जी, आई एम गोइंग टू टॉयलेट को क्या मतलब होता है? मैं शौचालय जाकर आती हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही, बता के तो जाओ। अच्छा इस बार गेहूँ कहाँ से पिसवा लाए थे? जहाँ से हमेशा लाता हूँ, वो बगल के मोहल्ले में है ना एक चक्की। आटा बिल्कुल खराब कर दिया है, ढंग से नहीं पिसवा सकते थे? अब हर चीज पति थोड़ी होती है कि हमेशा सही से पिस जाए। हाँ हाँ बहुत पिस रहे हो तुम, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहे। वही है कि अपनी चिंता तो चिंता है, लेकिन दूसरे की चिंता चिंटू है। देखो मुझे भी तुम्हारी फिक्र रहती है। कब, मुझे भी तो बताओ। जब तुम घर पे नहीं होते तो तुम्हारी चिंता होती है। हाँ ये वही चिंता होगी जो चूहे के भाग जाने पे बिल्ली को होती है। कि दिल ही दिल में तुमको भगवान मानते हैं, कि दिल ही दिल में तुमको भगवान मानते हैं। कौन से भगवान? यमराज जो सबकी जान लेते हैं, वो भी तो भगवान है ना।